अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जलपल्ली वादी मुस्तफ़ा इलाके में मुसलसल अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर हाल ही में इलेक्शन हुए हैं और जो इलेक्शन जीते हैं वो खुशी के मारे गुलपुशी कर रहे हैं और उसी में खो गए हैं। अवाम की तकलीफ की उनको फिक्र नहीं है, बस गुलपुशियां करते हुए फिर रहे हैं। गंदे पानी की वजह से मासूम बड़े और बूढ़े बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं, कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई भी तवज्जो नहीं दी जाती है। बड़े बड़े बातें और वादे किए जाते हैं, अमली तौर पर कुछ काम नहीं किया जाता। यही की एक सामाजिक कारकुन मोहम्मद फरहान ने मीडिया के जरिए अवाम की तकलीफ को सामने रखा ताकि हुकूमत और अहदेदार नींद से जागे और अवाम के जो मसले हैं उनको हल करें, जो उनकी जिम्मेदारी है। बहरहाल, क्राइम टुडे से बात करते हुए ये सारे तफसीलात यहाँ के लोगों ने बताया। अहमद के साथ में शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। करी हूँ यहाँ 18 साल हुआ मैं यहाँ के। यहाँ पर पानी की भी तकलीफ है यहाँ पर, और जो सामान मोरियों की भी तकलीफ है। पोनिया मोरियाँ तो इतना बहते हैं, लीडर आते हैं जीत लेते चले आते, फिर पलट के देखते नहीं। और बुलाए बुलाए तो अफजल भाई आते थोड़ा ऊपर ऊपर से उनके सामने थोड़ा काम करते चल जाते। मजदूरा भी डेनिज भर के कैसा जा रहे हैं, कैसा दवाखाने नहीं है यहाँ पर, कोई हर चीज़ का प्रॉब्लम है यहाँ। कैसा भर रहा है, ऐसी बदबू उठ रही। मस्जिद के वास्ते जाने के वास्ते पूरा गली पानी में से जाना पड़ता, घरों में आने के वास्ते इतनी इन्फेक्शन हो रहा, दवाखाने नहीं है यहाँ पर। कब तक हम पैसा डाल के दवाखाने जाते रहे ना, कुछ कुछ करो यहाँ पर, कुछ हल करो यहाँ पर। जो जब वोट डाले हैं आते हैं तो जब हम यहाँ पर प्रॉब्लम भी सॉल्व करें यहाँ पर वोट के वास्ते आते हैं यहाँ पर। सुने यहाँ पर कोई चीज़ का वो नहीं है, यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है यहाँ पर। सुने बहुत भी बहुत परेशानी है यहाँ पर, इतनी बो आ रही है, बच्चे हमारे इन्फेक्शन से बीमार है, दवाखाना में बड़े इन्फेक्शन हुआ बोल रहे हैं। कब तक को का ना बोलो, हम इतने दिन से बर्दाश्त कर रहे हैं। हाँ, वोट डालने आते थे को फिर हमारे से वोट लेते थे को हमारे से नहीं लेना, फिर करते अम्मा वरें कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हम इतने साल और आके यहाँ पर, आप आके रोड देखें यहाँ, रोड कैसी है, गिर जा रहे हैं बड़े बूढ़े लोग गिर जा रहे हैं यहाँ पर। सुने इतनी तकलीफ है यहाँ पर, इतनी तकलीफ है, बीमार है, कब तक सबर करेंगे हम। पूरा पानी आ रहा, फिर टैक्स लेना है तो आते, टैक्स लेने आते, फिर नल का बिल लेने का तो नल का बिल लेने आते। अब कब तक वो करना आखिर बोलो। अब आप सुने बर्दारी हमारी, हमारा बच्चे छोटे छोटे हैं हमारे को, कुछ भी हमारे लिए करो, हमारे सेल्फ करो, मेहरबानी होंगी आपके लिए। आप लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मेरा नाम मोहम्मद फरहान है, मैं यहाँ पर नीचे वाजिम सभा में नीचे रहता हूँ। ये जो है ना ऊपर से पूरा डेनिश का पानी जो सो आके पूरा जो है ना यहाँ पर जमा हो जा रहा, पूरा तालाब के वैसा। म्यूनसिपल वालों को भी जो सो हम कॉल कर रहे हैं,
मोइन बाबा को, उन्होंने सीएम है, उन्होंने जो सो फोन ही नहीं उठाते, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, उन्होंने मोइन बाबा आ रहे हैं खाली जो है सो इलेक्शन में हमारे से वोट ले लिए, वोट ले लेके खाली गुलगोशियां कर रहे हैं, खाली गुलगोशियों के फोटो आ रहे हैं ग्रुपों में और कुछ भी काम नहीं कर रहे। अब देखो कितने दिनों से लोगों के तबीयत खराब हो जा रहे हैं, कल लेडीज गिर गए, चावल का थैला गिर गया यहाँ पे, पूरा तालाब है। काम करो बोलो म्यूनसिपल वालों को, लेके आके बोर्ड रख दो बोलो यहाँ पे, हम बोर्ड से क्लास कर लेते, पूरा तालाब हो गया पूरा जो है ना, कुछ कर रहे नहीं, पूरी ऊपर की गंदगी आके पूरा जो है यहाँ पर नीचे आ जा रही। आप लोग कर रहे हैं क्या बोलो, हम जो सो ऊपर खाजा भाई से, खाजा भाई को ही बोले थे, उन्होंने कल जो सो नीचे रोड का काम करा है खाजा भाई MIM। अब जो सो मोइन बाबा का नंबर लेके हम उनको कॉल कर रहे हैं, फोन ही नहीं उठा रहे, उन्होंने क्या करना बोलो, हम दिए वोट लोगों को। आपके एरिया के काउंसलर कौन है? हमारे एरिया के काउंसलर अली भाई है जी MIM। अभी जो सो अब हम जा रहे हैं रिपोर्ट देने के वैसे चेयरमैन साहब को नुमाइंदगी करेंगे, अब्दुल्ला बिन अहमद सादी साहब को हम जो सो कम्प्लेंट देंगे, इसके ऊपर जो सो जल्द से जल्द हमारे को एक्शन होना। कई को बोले तो इससे तबीयत बहुत ख़राब हो रहे लोगों के, और जो सो यहाँ पर चार चार दिन को पानी जमा हो जाता, आते खाली ठहर के खाली फोटो ले लेते, काम चला सो वैसे काम छोड़ देकर चले जाते, काम होता ना जाता, फिर पानी का जैसा कि वैसे। अब क्या करना आप बोलिए, हम जो सो एरिया एरिया MLA से और जो है ना हमारे म्यूनसिपल के नए चेयरमैन साहब उनसे नुमाइंदगी करते हैं कि इस एरिया में जरा जल्द से जल्द कुछ कराइए, काम कराइए, और ऊपर के जो सो ड्रेनेज लेना पूरे जो सो नीचे आ जा रहे हैं, पाइप लाइनिंग वाच खत्म हो गई, वहाँ पर से पूरा पानी छोड़ दे रहे हैं, यहाँ जमा हो जा रहा, हमारे घर के सामने से जो सो पूरा जो सो पानी भरा, चार चार दिन की तबीयत खराब हो जा रही है हमारी। अब बोलो आप क्या बोले तो डेंगू हुआ, ये हुआ, वो हुआ, खाली काउंसलर क्या कर रहे हैं जिनके पास से कुलकोशी हमें दीजिए, यहाँ पर छोड़ दिए मरने के लिए, हम आपको नहीं करते तो बोल दो हम करा लेते, आप खुला बोल दो आके, हम हमारे से नहीं होता भाई, ये होता होता हम कर लेते, आपको